गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम 9th क्लास के मैथ की प्रश्न वाली 1.1 कंप्लीट करेंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, क्या शून्य एक परिमेय क्या है? क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू एक क्या है, पूर्णांक है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि क्यू पी बराबर शून्य और हम क्यू बराबर 1, 2, 3, 4 ले सकते हैं। अगर देखो, हमने P बराबर शून्य लिया है और Q बराबर 1 लिया है, तो सीधी सी बात है, एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया अगर शून्य बराबर 2 तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हमने देखो P और Q के रूप में लिख रहे हैं, तो ये क्या है, शून्य संख्या। और क्या Q एक जीरो नहीं है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया। देखो अगला क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, जब भी कोई जितनी संख्या पूछ रहा है, जैसे हमसे कितने 6 संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जिन जिन के बीच में पूछ रहा है, जैसे 3 और 4 के बीच में पूछ रहा है कितनी संख्या, 6, तो उसमें क्या करने हैं, हमें एक बढ़ा के ऊपर ही मल्टीप्लाई करनी है और एक नीचे मल्टीप्लाई करनी है दोनों तरफ। तो कितना आ गया, इसका कितना आ गया 21/7 और इसका कितना आ गया 28/7। अब इन दोनों के बीच में देखो कितनी परिमेय संख्या है, तो इसके बाद 22/7 हो गई एक, तो इसके बाद 23/7, इसके बाद 24/7, 25/7 और 26/7। तो कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 और इसके बाद 27/7। तो आपसे आपको ये पता चल गई होगी कि 3 और 4 के बीच ये 6 परिमेय संख्या होती है, क्लियर। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ये क्वेश्चन भी कहते हैं ऊपर वाले की तरह है, तो आपको क्या करना है, कौन कौन सी संख्या है, सबसे पहले देखना कितनी 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है संख्या, किस किस के बीच में पूछ रहा है, 3/5 और 4/5। तो हमने क्या बताया, जितनी संख्या पूछे उससे एक बढ़ा के आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, 5 पूछ रहा था तो कितने 6 और नीचे भी, ऐसे ही यहाँ 6 और नीचे भी 6, तो कितना आ गया टोटल 18/30 आ गया ये, और ये 24/30। तो अब देख लो इन दोनों के बीच में, तो एक आई क्या आएगी, 19/30 आ गई, एक 20/30 आ गई और एक 21/30, इसके बाद 22/30, इसके बाद 23/30। तो आपको इससे अंदाज़ा हो गया कौन कौन सी संख्या है, ये हमारी 5 परिमेय संख्या हो गई, जो किस किस के बीच में 3/5 और 4/5, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो चौथा क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ आप अपने उत्तर दीजिए। तो कारण के साथ देने हैं हमें, तो सबसे पहले प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और डैश और जी, पूर्ण संख्या है
पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप ये क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, ये होती है और इसमें पूर्ण संख्या ये होती है, तो आपको दिख रहा होगा। तो इसका तो उत्तर जो है हाँ होगा कि हाँ, क्यों, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या भी होती है, ठीक है। तो ये क्या, इसका उत्तर क्या है, वो हाँ है। अब इसका प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो सबसे पहले आपको पूर्ण संख्या पता होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मैंने अभी ऊपर भी बताई थी, अब द्वारा 1, 2, 3, 4 और 5। पूर्णांक कौन कौन सी होती है, देखो ये क्या सत्य है कथन, जो संख्या रेखा पे मैं धन और ऋण में लिखी जा सके, 0, 1, 2, 3। तो देखो आप देख रहे हो कि पूर्ण संख्या क्या होती है, संख्या रेखा पे 0 से और प्लस वाली होती है, जबकि पूर्णांक संख्या नेगेटिव वाली भी होती है, माइनस वाली। तो आपसे इससे अंदाजा लग गया होगा इसका जो आंसर है वो क्या होगा, असत्य होगा। क्योंकि देखो प्रत्येक, ये पूछ रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो पूर्णांक संख्या होती है वो सिर्फ क्या होती है, 0 से और धन के रूप में धन वाली होती है, जबकि पूर्णांक संख्या ऋण वाली भी होती है, इसलिए ये पूर्णांक संख्या नहीं है। और देखो देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो पहले इसका उत्तर क्या होगा, असत्य है। क्यों होगा, देखो ये बताते हैं, पूर्ण संख्या कौन होती है, 1, 2, 3, 4। तो अब देखो पहले बताओ, 0 एक पूर्ण परिमेय संख्या है, हाँ, क्योंकि इसके बटे में 1 हो सकता है। 1 एक पूर्ण संख्या है, इसके बटे में 1 हो सकता है। 2 एक पूर्ण संख्या है, इसके बटे में 2 हो सकता है, ठीक है। पर अगर एक चीज बताइए आप, अगर हमने मान लिया 3/5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या ये पूर्ण संख्या होगी। देखो 3 और 5 तो क्या आया इसका, 1. कुछ कुछ आएगा, क्वांटम आएगा, जो कि हमें पूर्ण संख्या क्वांटम में नहीं होती। तो इसलिए आप, इससे आपको पता चल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं ऐसी ही वीडियो आपको बनाता रहूँगा। थैंक यू।